Hello everyone. How are you all? I hope you all are doing well. तो बच्चा लोग आज आपने सेकेंड स्टैंडर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट में करवाना चाहिए फीलिंग द ब्लैंक्स. तो चलिए बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज टेक योर बुक एंड पेंसिल. बद्दा पता नहीं बुक और पेंसिल ले लिए अने मिसनी साथे शुरुआत करिए. हेडिंग दिए चलिए. यू ऑल हैव टेकन योर बुक एंड पेंसिल. बद्दाए बुक पेंसिल ले ली दी. तो चलिए हेडिंग दिए एफ आई डबल आर फील आई एन इन टी एच ई द लख्यू आई रिपीट F I double L feel I N in T H E the V L A N K S blanks lucky you. With W I T H with have H A V E have or lucky you. H A V E have or O R or has H A S E has like you. डन. तो चलिए आज आपणे करवानुं छे फीलिंग द ब्लैंक्स विथ हैव एंड हैज. हैव अथवा तो हैज वडे खाली जगह पूरवानी छे. तो चलिए तमने याद होय तो आई विल टेल यू. आ आपणे ऑलरेडी एक वखत करी चुकेल छे. यू रिमेम्बर? याद छे तमने? यस. तो चलिए शुरुआत करिए. लखिए नंबर वन. नंबर वन अपने वन क्या लखसु? मार्जिन में क्या लखसु? लखिए अनु डैश अ बाइसिकल. A N U अनु डैश अ B I C Y C L E bicycle. लख यू. A N U अनु H A S has a bicycle. B I C Y C L E bicycle. હવે આમાં શું આવશે? તો ભાઈ આમાં આવશે હેઝ. આપણે પહેલાં એક પોઈન્ટ લખી લઈએ જે મિસે કહેવાનું રહી ગયું છે.
अगर एफ बी नी शुरुआत में आई वी यू दे आवसे ने तो आंसर आवसे हैव। शू आवसे हैव। अगर फिलिंग द ब्लैंक नी शुरुआत आई वी यू दे आ चार अक्षर थी थती हसे तो आंसर आवसे हैव। शू आवसे हैव। तो लखीए आई वी यू दे। अहीं ध्यान जो आपणे आवी रीते पहेला लखी लीए आई वी यू दे। अगर आ चार थी वर्ड शुरू थसे ए चार शब्द आ चार वर्ड्स वड़े अगर वाक्य शुरू थसे तो शू आवशे जोई लीए। बीजा वर्ड्स लखी लीए पहेला ही शी इट लखी लीए। ही शी इट लख्यू एच ई ही एस एच ई शी आई टी इट। अगर आ त्रण शब्दों थी वाक्य शुरू थसे तो शू आवशे। चलिए आपणे हवे बंने ना आंसर लखी लीए। अगर वाक्य शुरू थसे आई वी यू दे तो आवशे हैव। शू आवशे हैव। लखीए एच ए वी ई द आंसर इज हैव। अगर वाक्यनी शुरुआत में आ वर्ड हसे एटले के आ शब्दों हसे जेम के आई वी लखे डबल्यू ई वी यू वाय ओ यू टी एच ई वाय धे। अगर आनाथी शब्द शुरू थे तो शू आवशे। तो चलिए जोईए अगर सेंटेंस की शुरुआत आनाथी थसे तो आवशे हैज। शू आवशे हैज। तो चलिए आ पॉइंट्स आपणे लखवाना छे। बच्चा लोग आ बन्ने पॉइंट्स लखी लीए। फॉर एन एग्जाम्पल आई डैश अ बुक तो आई हैव अ बुक। वी हैव न्यू फ्रॉक्स। अगर वी छे तो शू आव्युं वी हैव अ न्यू फ्रॉक्स। वी मां आव्युं हैव। शू आव्युं हैव। चलिए लखी लीधुं। એવી જ રીતે આપણે હવે વાત કરીએ યુ યુ હેવ ન્યૂ પેન્સિલ યુ હેવ ન્યૂ પેન્સિલ અગર યુથી આવ્યું તો પણ આવ્યું હેવ। આપણે એટલું યાદ રાખવાનું છે અગર વાક્યની શરૂઆત આ ચારમાંથી એક શબ્દ હોય તો હેવ લખશું આન્સરમાં અને હી શી એન્ડ ઇટ આ ત્રણ હશે તો હેઝ લખવાનું બટ હી શી અલાવા પણ અગર ગર્લ એન્ડ બોયના નામ હોય ગર્લ એન્ડ બોયઝનું તો આપણે શું લખશું હેઝ। અગર ગર્લ અથવા બોયનું નામ છે તો આપણે હેઝ લખવાનું છે। શું લખવાનું છે હેઝ। ચલી અન્ડરસ્ટુડ। ફોર એન એક્ઝામ્પલ અનુ હેઝ અ બાયસિકલ
तरुण हैज़ अ न्यू बुक, फातिमा हैज़ अ न्यू लंच बॉक्स। समझाए क्यों बच्चा लोग? अंडरस्टूड? तो चलिए हियर वी स्टार्ट। हवे आपणे स्टार्ट करिए। आपणे जे पेली अभी लखी छे अनु डैश अ बाइसिकल, तेनो आंसर कई रीते लखशू? अनु शू छे? नेम, राइट। तो ये शीमा जावसे। तो चलिए आपणे एफबी ना पेज ऊपर जाइए, लखीए अनु डैश अ बाइसिकल। लखीए ए एन यू, अनु डैश एटले खाली जग्यानी निशानी, लख्यू अ डन। बी आई सी वाई सी एल ई, लखिए बी आई सी वाई सी एल ई। अनु शू छे बच्चा लोग? नेम, जे मैं तमने शुरुआत में कह्यू ने कि अगर नेम आवशे अथवा ही शी इट इज आवशे, ही शी ने ईट, तो पण आपणे हेज़ वापरशू। वेरी गुड। तो चलिए हवे अहींया शू आवशे आंसर सोचिए। हमणां मैं कह्युं यस हेज, शू आवशे हेज? तो लखीए ए एन यू, अनु एच ए एस हैज अ बाइसिकल। चलिए समझाई गयू? नंबर टू लखिए। नंबर टू मीशा डैश अ डॉल, लखिए एम आई एस एच ए मीशा, लख्यू। आई रिपीट एम आई एस एच ए मीशा, लखिए डैश એટલે ખાલી જગ્યાની નિશાની, અ ડોલ ડી ઓ ડબલ એલ ડોલ, લખ્યું આઈ રિપીટ એમ આઈ એસ એચ એ મીશા H A S has लख्यो बच्चा लोग? A D O double L doll, मीशा डैश अ डॉल। जो हवे एक वात पर ध्यान दईए, अनु कोण छे? गर्ल। कोण छे? गर्ल। मीशा कोण छे? तो भाई मीशा पण गर्ल छे, राइट। बन्ने मां शू आवशे? मैं तमने कह्युं तुं शुरुआत मां, अगर ही शी ने ईट होय तो शू आवे? યસ હેઝ, ને મીશા અને અનુમાં શું આવશે? શી કે હી? શી, વેરી નાઇસ। તો આપણે શું લખશું?
हैज, तो लखिए शुरुआत करिए अनु हैज ANU अनु HAS हैज लख्यू आई रिपीट ANU अनु HAS हैज लखिए HAS हैज अ BICYCLE बाइसिकल लख्यू आई रिपीट एंड यू ऑल्सो रिपीट आफ्टर मी बधाए मारी पछी बोलवानुं छे अनु हैज अ बाइसिकल लखिए अनु हैज अ बाइसिकल आंसर इज हैज HAS चलिए नाउ विल मूव ऑन नंबर टू नंबर टू मीशा डैश अ डॉल लखिए मीशा डैश अ डॉल तो मीशा में शू आवशे बच्चा लोग हैव या हैज यस हैज शा माटे केम के वाक्यनी शुरुआत सेंटेन्सनी शुरुआत नेम थी थाय छे अगर वाक्यनी शुरुआत नाम थी थतु होय तो हैज आवशे अथवा ही शी थी थतु होय तो पण हैज आवशे तो चलिए लखी लीजिए HAS हैज लखिए HAS हैज लखी लिए HAS हैज लख्यू बच्चा लोग लख्यू आई रिपीट अनु हैज अ बाइसिकल तो लिखिए आंसर HAS लिख लीधु HAS हैज अनु हैज अ बाइसिकल मीशा हैज अ डॉल बन्ने में आंसर सेम आयो बिकॉज बन्ने सेंटेंसेस नी शुरुआत नेम थी थाती हती नाम थी राइट चलिए नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट
नेक्स्ट छे दे डैश न्यू फ्रॉक, दे डैश न्यू फ्रॉक्स लखिए, TH E Y, दे डैश એટલે ખાલી જગ્યાની નિશાની, લખ્યું ફિનિશ્ડ. લખીએ they dash new frocks. लख्यो बच्चा लोग. ते डैश न्यू फ्रॉक्स. चलिए हवे अहीं शुं आवशे, वाक्य की शुरुआत शानाथी थई छे, ते. तो मैं तमने शुं कह्युं हतुं याद छे, अगर आई वी यू दे आवे तो शुं आवशे, याद आव्युं? डन बच्चा लोग. तो सोचिए शू आवशे अहीं. यस हैव. तो चलिए ए लगता पहला आपणे हजी एक एप भी जोई लीए, पछी साथे आंसर लखीए. लखीए वन मोर, एक और लखी लीए, आंसर आवी गयो. तो चलिए आंसर लखिए, HAVE हैव. दे हैव न्यू फ्रॉक्स, TH E Y, दे HAVE हैव. NEW न्यू FROCKS फ्रॉक्स लखी लीधू. दे हैव न्यू फ्रॉक्स. જો અહીંયા સેન્ટેન્સ એટલે કે વાક્યની શરૂઆત દેથી થઈ છે, તો એનો જવાબમાં આવ્યું હેવ. શું આવ્યું છે? હેવ. चलिए नेक्स्ट एप भी लखिए, फादर डैश अ कार, FATHER फादर. आई विल रिपीट, FATHER फादर. लख्यू डन बच्चा लोग. FATHER फादर डैश अ न्यू कार. लख्यू बच्चा लोग. लखिए फादर हैज अ न्यू कार. શું આવ્યું આન્સર?
हेज शा माटे बिकॉज सेंटेन्स नी शुरुआत वाक्य नी शुरुआत शानाथी थई छे ही फादर शामा आवे ही कैटेगरी मा शामा आवे ही कैटेगरी मा तो अहींया शुरुआत मा आपणे एफ ए टी एच ई आर फादर रीड कर्यु बराबर तो चलिए लखिए एच ए एस हैज एच ए एस हैज फादर हैज अ कार रिपीट आफ्टर मी F A T H E R father H A S has A એટલે કે અ C A R car લખ્યું Done. लखिए फादर हैज अ कार लखाई गयू तो चलिए आज आपने केटली एफबी करी 4 एफबीस केटली करी छे 4 एफबी अने बधामा आंसर सेम नथी कोई मा हैव छे तो कोई मा हैज छे बधामा हैव 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 नथी बधामा हैज 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 नथी बधामा डिफरेंट आंसर छे कोई मा हैव छे तो कोई मा हैज छे तो चलिए હવે આપણે વાત કરીએ આજના હોમવર્ક વિશે તો આજનું આપણું હોમવર્ક છે આજે કરેલ એફબી વન ટાઈમ ઇન યોર ફેરબુક આજે જે આપણે આ એફબી કરી છે ને એ આપણે વન ટાઈમ આપણી ફેરબુકમાં લેવા લખવાની છે અને સાથે સાથે હોમવર્ક બુકમાં પણ લખવાની છે શરૂઆતથી જ રિવિઝન કરતા જઈએ તાકી આપણને એક્ઝામના ટાઈમ પર હેઝલ લાગે નહીં तो चलिए बच्चा लोग नाउ आई विल से थैंक यू एंड गुड बाय तो थैंक यू सो मच बच्चा लोग फॉर सच अ बीइंग अ नाइस स्टूडेंट तमे आटला डाया बच्चा थई मिस नु लेक्चर अटेंड कर्यु इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मां आगळ कंटिन्यू करसु टिल देन स्टे होम स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग अने तमे न्यूज रीड करो छो के न्यूज़पेपर जोवो छो बच्चा लोग તો ન્યૂઝપેપર રીડિંગ કરો તમને ઘણું બધું જાણવા મળશે અત્યારે વાપસ આપણી કન્ટ્રી આપણું સિટી થોડું પાછળ થઈ ગયું છે વાપસ કેસીસ વધતા ગયા છે તો આપણે થોડું ન્યૂઝ બી રીડ કરીએ ન્યૂઝ ચેનલ જોઈએ અને ખુદને એન્ગેજ રાખીએ આપણે ખુદને થોડા બિઝી રાખીએ તો ચલીએ થેન્ક યુ એન્ડ ગુડ બાય